पत्रकार संघ ने SDM को ज्ञापन सौंप कर जुझार नगर तहसील के बाबू के फर्जी FIR आवेदन की निरस्त करने की मांग की। बारीगढ़ उप तहसील जुझार नगर बारीगढ़ में बीते दिन ग्राम पंचायत चौहानी निवासी राजाबाई यादव पति चंद्रभान यादव का तहसील कार्यालय में तरमीम का आवेदन पिछले 4 महीने से जमा था, जिसकी पावती भी आवेदक राजाबाई यादव के पास उपलब्ध है। आवेदक के पुत्र रवि यादव के द्वारा जब तहसील में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 के बाबू गोविंद अहिरवार से अपनी जमा फाइल की नकल मांगी गई तो इनके द्वारा आवेदक के पुत्र से पैसे की मांग की गई है, जिस पर रवि यादव द्वारा दैनिक दबंग बुंदेलखंड के संवाददाता अभिषेक चौरसिया से अपनी आप बीती बताते हुए खबर प्रकाशित करवाई गई थी। खबर प्रकाशित होने से तहसील में पदस्थ बाबू गोविंद अहिरवार इतनी बुरी तरह से बौखला गया कि उसने थाना जुझार नगर में रवि यादव और अभिषेक चौरसिया के विरुद्ध झूठी FIR करने के इरादे से आवेदन दे दिया। इस झूठे आवेदन के विरुद्ध पत्रकार संघ बारीगढ़ नगर ने SDM कार्यालय में आवेदन देकर निरस्त करने की मांग की गई है और भविष्य में ऐसी गलती विभाग के द्वारा न की जाए, इसके लिए भी आग्रह किया गया है। यदि इस आवेदन को शीघ्र निरस्त नहीं किया जाता तो बारीगढ़ पत्रकार संघ आगे चलकर अपना कड़ा रुख अख्तियार करेगा। खबर जगत के लिए छतरपुर से उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। अपील पर आप किस संबंध में आए हैं? अब बारीगढ़ जुझार नगर के मामले में तहसील कार्यालय में हमारे बारीगढ़ नगर के संवाददाता हैं अभिषेक चौरसिया और रवि यादव, एक पीड़ित पक्ष था इनका। कुछ तहसील कार्यालय में जो बाबू गोविंद अहिरवार हैं उनके द्वारा इनकी वो फर्जी मुकदमा की नीयत से दर्ज कराने की नीयत से थाना जुझार नगर में फर्जी रिपोर्ट दी गई है, तो उनके ऊपर फर्जी दवा बनाने के लिए वो इनके ऊपर जुझार नगर थाने में फर्जी रिपोर्ट दी गई है ताकि इनके ऊपर रिपोर्ट के मुकदमा दर्ज हो जाए। और वो जबकि रिपोर्ट पूरी तरह से फर्जी और निराधार है, उन लोगों उस रिपोर्ट में इन लोगों को कोई किसी के कार्य को कोई गुनाह नहीं, तो पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज न हो इसलिए हमने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन की मांग ये रखी गई है कि पत्रकारों के ऊपर जो भी फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं जैसा भी हो, इसकी पहली तरह से CID जांच कराई जाए, पूरी तफ्तीश की जाए, इसके बाद ही अगला कदम उठाया जाए। और जिस व्यक्ति ने यदि CID जांच में ये रिपोर्ट फर्जी पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के ऊपर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमारा संघ इसकी कड़ी निंदा करेगा और आगे भी हम इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे और सरकार के विरुद्ध बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं।